अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है चने की दाल और गोश्त। इसके लिए जो चीजें आपको चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। गोश्त हमें चाहिए 1 किलो, चने की दाल हमें चाहिए 1 कप। इसको मैंने धो के पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। प्याज 2 से 3 अदद दरमियाने साइज के। टमाटर हमें चाहिए 2 से 3 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक और लहसुन। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने क्रश कर लिया है। गरम मसाला हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच, मेथी 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 चाय की चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। तेल हमें चाहिए पकाने के लिए तकरीबन 1/2 से 1 कप। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर गोश्त डालेंगे, के अंदर हम प्याज डालेंगे, टमाटर, थोम, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक 1/2 से 1 कप पानी का डाल देंगे। लिड को बंद कर देंगे और इसको तकरीबन हम 1/2 घंटा के लिए पकने के लिए रख देंगे। साथ में हम ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो गया। अब हम इसके अंदर 1 कप तेल डालेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे और स्पीड हम चूल्हे की मीडियम पे रखेंगे। अब इसके अंदर हम मेथी डालेंगे। सारे गरम मसाला जो है मिक्स मैंने डाल दिया इसके अंदर, 2 मिनट के लिए भूनूंगी। पानी के समय डाल देंगे जिसमें हमने दाल को भिगोया था और साथ ही में हम तकरीबन 1/2 कप पानी और डालेंगे। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1/2 घंटा के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो जी नाज़रीन, चना दाल और गोश्त की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसको हम अचार और सैलड के साथ खाएंगे, नॉर्मल घर की रोटी के साथ। आप चाहें तो इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।